वायरस ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस जानलेवा वायरस के कारण दुनिया में अब तक 16,557 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,81,499 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। वहीं भारत में अब तक 10 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि करीब 511 इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चीन के वुहान से फैला कोरोना वायरस दुनिया के 163 से अधिक देशों में पैर पसार चुका है। हालांकि चीन में करीब 3,000 से अधिक मौतों के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया, लेकिन इटली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हालांकि देश में 7 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई। चीन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,255 हो गई। इधर चीन के बाद इटली में हालात बिगड़ गए हैं, वहां रोज मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से इटली में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इटली में कोरोना वायरस के कारण रविवार को 651 नई मौत दर्ज की गई। इसके साथ ही इटली में मरने वालों की संख्या 5,500 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना वायरस की वजह से इटली में 5,476 मौतें हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मौत के मामले में इटली आगे है। इससे पहले इटली में एक दिन में रिकॉर्ड 793 लोगों की मौत हुई थी। इटली में रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इटली में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंच चुका है। यदि भारत की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 511 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इधर ईरान में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ईरान में कोरोना की वजह से मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 1,556 हो चुकी है। इसके अलावा ईरान में अब तक कुल कोरोना के 20,610 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।